स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के अंतर्गत हम लोग डाल्टन के परमाणुवाद से सीखेंगे। डाल्टन का परमाणुवाद है क्या? डाल्टन्स एटॉमिक थियरी किसे कहा जाता है? अच्छा, डाल्टन्स का परमाणुवाद किसे कहते हैं? डाल्टन का कहना था परमाणु जो होते हैं वो द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं। हमने क्या कहा? परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होता है। ये बात समझ में आई? तो इस प्रकार का परमाणु होता है, ये डाल्टन ने कहा था। अब इसका मतलब जरा समझते हैं। दरअसल डाल्टन सबसे प्रारंभिक मॉडल के बारे में देते हैं। इसके पूर्व काफी वैज्ञानिक डाल्टन के परमाणु के बारे में बताते हैं, बट डाल्टन का कहना था परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होता है। ये डाल्टन बातें बताते हैं सन 1808 ईस्वी में, राइट? इस अप्रॉक्सीमेटली में 1808 ईस्वी में ये बातें बताते हैं। अच्छा, डाल्टन ने कहा कि जो परमाणु होता है बड़ा ही छोटा होता है। ये न्यूक्लियस है, नाभिक है और ये सेल हैं। ये सब कक्षाएं होती हैं नाभिक के चारों ओर, राइट? ये नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? सेल कक्षाएं। इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसलिए समस्त नाभिक पर धनावेश छाया रहता है। इन कक्षाओं पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी के बारे में बातें बताते हैं डाल्टन। कहते हैं परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होता है। और डाल्टन अपने काल में समय में क्या बातें बताते हैं परमाणु के बारे में, इनकी क्या थिंकिंग थी, जरा इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। डाल्टन का कहना था सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। सभी द्रव्य यानी जितने द्रव्य होते हैं, सभी द्रव्य सूक्ष्म परमाणुओं, सभी द्रव्य सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, राइट? इन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। और डाल्टन क्या कहते हैं? डाल्टन का कहना था परमाणु को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी अविनाशी है, अविनाशी अविनाशी है और अविभाज्य है। अविनाशी और अविभाज्य होता है कौन? परमाणु, राइट? ये डाल्टन बातें बताते हैं अपने जीवन काल में। परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम और अविनाशी अविभाज्य कण होता है। और क्या बातें बताते हैं डाल्टन, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। डाल्टन ये भी कहते हैं परमाणु को कभी रेती आरिस नहीं काटा जा सकता। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। रेती या आरी से नहीं काटा जा सकता, रेती आरिस नहीं काटा जा सकता, ये डाल्टन का कहना था। और क्या बातें बताते हैं जॉन डाल्टन का कहना था एक ही द्रव्य के सभी परमाणु भार आकार संरचना में समान होते हैं, जैसे यह सेट है, P4 है, O2 है, Cl2 है, N2 है, ये एक ही द्रव्य के हैं, तो इनके परमाणु भार आकार संरचना में क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर डाल्टन बता रहे होते हैं। चलिए अगले पॉइंट के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। अगले पॉइंट में डाल्टन क्या बातें बताते हैं? डाल्टन ने कहा कि यार जो भिन्न प्रकार के द्रव्य होते हैं उनके परमाणु भार आकार संरचना भिन्न होते हैं, जैसे CaO, MgO, Al2O3, MgCl2। अब बताइए भिन्न प्रकार के द्रव्य हैं कि नहीं? कैल्शियम का परमाणु भार आकार कुछ और होगा, ऑक्सीजन का कुछ और होगा, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का परमाणु भार आकार कुछ और होगा, ऑक्सीजन का कुछ और होगा, इसी प्रकार Al2O3 में एल्यूमिनियम का परमाणु भार आकार कुछ और होगा, ऑक्सीजन का कुछ और होगा, N1। तो ये काफ़ी बातें बताते हैं जॉन डाल्टन। परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविनाशी विभाज्य कण होता है, ये अविनाशी है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है।
सभी द्रव्य सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इन्हें रेती आरी से नहीं काटा जा सकता। ये बड़े ही छोटे होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। एक ही द्रव्य के सभी परमाणु भार आकार संरचना में समान होते हैं, भिन्न प्रकार के द्रव्य परमाणु भार आकार संरचना में भिन्न होते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन अपने दोस्तों के पास शेयर करने की कोशिश करो जिन्हें इनकी काफ़ी ज़रूरत है।